Assalamu alaikum and welcome to the session 10 of micro lecture series on sayings of Hazrat Ali ibn Abi Talib karramullahu wajhul kareem. Today we'll talk about power of questions aur Hazrat ka jo jumla zair unwan hai wo hai man husina suala alima. Yani jo shakhs acche tareeke se sawal karta hai wo jaan leta hai. Questions ki application to wo jo hum apni interpersonal communication mein istemal karte hain ek dusre ke sath baat cheet mein istemal karte hain lekin ek aur powerful application हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन जो हर वक्त हमारे अपने साथ चल रही होती है वो क्वेश्चन जो हम अपनी डेली लाइफ सिचुएशन में अपने आप से पूछ रहे होते हैं और नॉर्मली ऐसी सिचुएशन जो हमारे लिए अनडिजायर्ड है जिसमें हम बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है उनमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो वाई से स्टार्ट होता है वाई आई एम फैट वाई आई एम अ लूजर वाई आई मिस इंपॉर्टेंट थिंग्स वाई कैंट आई डू एनीथिंग राइट वाई एम सो सैड वाई एम लोनली वाई एम हेयर सो ज़्यादातर जो सवाल अनडिजायर्ड सिचुएशन में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं वो वाई से स्टार्ट होता है नोटिस के वाई के जवाब में जो हमारा जहन हमें बताता है वो उस प्रॉब्लम को मजीद इंटेंसिफाई करने वाला होता है यानी अगर आपने पूछा वाई आई एम सैड और आपके पास सैडनेस की दो रीजन थी तो उस वाई के जवाब में शायद आपके पास चार रीजन और आ जाए सो जस्ट नोटिस के इफ यू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन योर स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग विल बी चेंज्ड अगर आप वाई के बजाय व्हाट और हाउ के क्वेश्चन स्टार्ट कर दें देन यू विल नोटिस योर ब्रेन विल बी आंसर differently what can I do today in order to achieve what I want bajaye iske ki aap ye puchein ke why I'm fat you can ask why it is so easy for me to lose weight ye puchne ke bajaye ke why I'm sad you can ask what I can do now for instant happiness ye puchne ke bajaye ke why I'm lonely you can ask what I can do to make new friends ye puchne ke bajaye ke why I'm here you can ask how I can get there so what is the plan of action पिक अप एनी स्टक सिचुएशन और एनी सिचुएशन जिसमें आप अनहैप्पी हैं एंड नोटिस कि उसके बारे में आपके क्वेश्चंस क्या हैं अगर उसके बारे में आपके क्वेश्चंस वाई वाले हैं देन चेंज देम इनटू हाउ एंड व्हाट क्वेश्चन एंड फील एंड नोटिस द डिफरेंस कि जो व्हाट या हाउ वाले क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं क्वेश्चन पूछने में उतने ही माइक्रो सेकेंड लगेंगे उतनी एनर्जी लगेगी लेकिन आंसर डिफरेंट होगा वाई के क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ज़्यादातर आपका माइंड आपको प्रॉब्लम में दे रहा है जो व्हाट और हाउ के क्वेश्चंस का आंसर है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो